आखिरकार नारुतो शिपुडेन जो है हमारे इंडिया में आएगा या फिर नहीं आएगा, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक बन चुका है। मतलब कि यूट्यूब पर जो है अभी लाखों वीडियोस बन चुके हैं एंड कोई यूट्यूबर कह रहा है कि नहीं आएगा, कोई कह रहा है आएगा, कोई कह रहा है कि भाई प्रोमो ये देखो यार आ तो गया है, आ गया, कोई कह रहा है भाई अगले महीने, कोई कह रहा है भाई दिसंबर में, कोई कह रहा है सितंबर में, कोई कह रहा है ये कोई वो, भाई 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 रुक जा भाई रुक जा भाई। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे नारुतो शिपुडेन के बारे में कि आखिरकार नारुतो शिपुडेन जो है हमारे इंडिया में आएगा या फिर नहीं आएगा, ऑडियंस का जो है दिमाग खाली है यूट्यूबर्स ने। चलिए वीडियो खा के जाते हैं वक्त ना जाए करते हुए, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आखिरकार नारुतो शिपुडेन हमारे इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। ये जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा ही लोगों ने मैशअप कर दिया है, ऑडियंस के दिमाग को बिल्कुल ही कन्फ्यूज मैनिपुलेट एंड जो चीज़ कहूँ वो कम है। कोई कहता है कि भाई टीवी पे नहीं आएगा, कोई कहता है कि भाई टीवी पे आएगा, कोई कहता है भाई कंची रोल पे आएगा, नेटफ्लिक्स पे आएगा, यहाँ आएगा वहाँ आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। तो चलिए हम विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर टाइम। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नाइनटीन क्लब। नाइनटीन क्लब जो है काफी कमाल के एनिमे के टी शर्ट अपने बेचते हैं अमेजोन पर। तो चलिए देखते हैं आखिरकार कैसे कैसे टी शर्ट मुझे रिसीव हुए हैं एंड क्या है एंड क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास टी शर्ट आता है, ये टी शर्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का है एंड आप देख पा रहे होंगे ये कितना ज़्यादा ही बेहतरीन दिख रहा है। कैरेक्टर कौन सा है मुझे नहीं पता, शायद मेरे हिसाब से कोई वन पीस का कैरेक्टर है एंड मैंने वन पीस नहीं देखा है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ही कमाल की है एंड यहाँ पर जो है नाइनटीन क्लब का ब्रांडिंग की हुई है, प्राइसिंग वगैरह आपको शो हो रही होगी। इसकी प्राइस है ओनली 500 रुपीस एंड इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हो। काफ़ी कमाल कमाल के टी शर्ट है, ये आप देख पा रहे हो कि मेरे पास इटासी का टी शर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का, इसका प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है एंड इसकी क्लोथ्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ही कमाल की एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्मूथ है, आपको पहनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एक और काफ़ी कमाल का टी शर्ट जो कि है जोरो का टी शर्ट। यार भाई क्या बात है, क्या बात है, ये देखो आप लोग जोरो की टी शर्ट काफ़ी ज़्यादा कमाल की है एंड इसका डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट है एंड काफ़ी अच्छा है और ये आपको मिल जाएगा 500 रुपीज़ में नाइनटीन क्लब के अमेजोन पर। जाके हम लोग बस सिंपल सर्च करना नाइनटीन क्लब, आप लोगों को वहाँ पर ये सब टी शर्ट देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं। तो ये है, ये टी शर्ट जो है बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है, इसका कपड़े की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड ये है अपना JJK यानी कि जुजुत्सु काइजन की टी शर्ट है, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा प्रिंटिंग है, देख पा रहे होंगे मेरे हिसाब से आप लोग। तो कपड़े इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप लोग बस सिंपल जाओ अमेजोन पर सर्च करना नाइनटीन क्लब, नाइन टेल क्लब, मैं आप लोगों को लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आराम सर्च करना एंड जाके वहाँ से अमेजोन से ले लेना। अमेजोन बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्स है, पसंद आए नहीं आए तो आप लोग वापस कर सकते हो, रिफंड भी आपको आ जाएगा। तो आराम से यूज़ करो एंड अपने ओटाकू दोस्तों को सर बताओ कि ये टी शर्ट मिलता है अमेजोन पर एंड मेरा ट्रस्ट है, जाके आराम से खरीदो एंड 100% ट्रस्टिंग सोर्स है ये, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल रहा है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर। जाके सर्च करना नाइनटेल क्लब, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जाके पहनो और एनिमे के 14 बन जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि आखिरकार नारुतो शिपुडेन आएगा तो कहाँ आएगा, टीवी पे आएगा कि OTT पे आएगा। तो इसका आंसर है कि नारुतो शिपुडेन जो है वो टीवी पे आएगा और वो जो है सोनी ये पर ही आएगा। तो देखो नारुतो जो है पिछले साल से सोनी ये पर आ रहा है, पिछले साल से 2022 से वो आ रहा है, ऑलमोस्ट एक साल होने वाले हैं या एक साल हो चुके होंगे। सोनी ये ने बहुत चीज़ फेस किया, टाइमिंग चेंज कर दिया, 7 बजे नारुतो आता था, फिर 7 से उसको 9 कर दिया, 10 कर दिया, 10:30 कर दिया, टाइमिंग बहुत ज़्यादा चेंज किया, पेरेंट्स के कंप्लेन भी आए होंगे मेरे हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा फेस करके सोनी ये ने डबिंग वगैरह करवा करके एक साल के अंदर नारुतो को ख़त्म कर दिया, इम्पॉसिबल काम था वो, कोई भी टीवी चैनल ये काम नहीं कर पाया था, कोई भी नहीं। सब जानते थे कि नारुतो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन कोई भी वो काम नहीं कर पाया था। सोनी ये जो कि पहली बार एनिमे दिखाया, वो भी इतना ज़्यादा खतरनाक एनिमे एंड वो इतना ज़्यादा हमारे इंडिया में पॉपुलर भी हुआ, बहुत सारे फैंस इंडिया में बन गए। अभी मैं घर से बाहर निकलता हूँ कहीं घूमने के लिए जाता हूँ तो मुझे जो है नारुतो के फैंस दिख जाते हैं। मेरे सिटी में भी बहुत सारे नारुतो के फैंस हैं जो कि नारुतो की टी शर्ट, यस ब्रो, एनिमे टी शर्ट पहनते हुए दिख जाते हैं। तो मुझे जो है ना दिल से ऐसी खुशी होती है ना कि भाई कि मैं क्या बताऊँ, कोई नॉन एनिमे फैन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, वो टी शर्ट पहना है ना, मैं इसमें बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है, दिल से सुकून मिलती है कि भाई ये भी बंदा नारुतो देखता है। तो
रोनाल्डो का सीन इंडिया में काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा फैंस है, लाखों की तादाद में है, 10 लाख 20 लाख मेरे हिसाब से फैन होंगे, क्योंकि तमिल तेलुगु हिंदी में दिखाया जा रहा है ना, 3-4 लैंग्वेज में दिखाया जा रहा है। 10 लाख 20 लाख 30 लाख तो कोई इसका मतलब कि ये नहीं है, लिमिट नहीं है कितने फैंस होंगे, अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया गया तो भाई वॉर हो जाएगा। तो इंडिया में जो है ना नाउटो के बहुत ज़्यादा ही फैंस है, सोनी ये बात जानती है। फिलहाल जो है नाउटो का टीआरपी कम हो गया था क्योंकि नाउटो के 4 एपिसोड थे, आप जानते हो नाउटो के जो है सीजन 5 तक के एपिसोड अच्छे थे, उसके बाद सास्के जब गया उरुचिमारू के पास तब से ही थोड़ा वो कॉन्टेंट खराब हो गया, मज़ा आना कम हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, तो वो सब चीज़ें होने के बाद जो थोड़ा टीआरपी कम हुआ। लेकिन तब पर भी जो नाउटो के डाइहार्डेड फैंस थे तब पर भी वो नाउटो को देख रहे थे, मैं भी नाउटो को अभी तक देख ही रहा हूँ कंटिन्यू, मेरे 10 एपिसोड बचे हुए हैं एंड 10 एपिसोड देखने के बाद नाउटो खत्म हो जाएगा। मानता हूँ कि वो फिलर एपिसोड है, कुछ भी नहीं है उसमें, ना कोई फाइट है ना कुछ है, बिल्कुल बकवास एपिसोड है, लेकिन मेरे लिए वो एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मेरे लिए वो एपिसोड बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो एपिसोड है कि एक मोमेंट है, मेरे लिए वो एपिसोड इमोशन है। तो फिलर एपिसोड भी जो है ना एक इमोशन है, उसमें सब कुछ है, उसमें नाउटो है सबसे बड़ी बात, उसमें नाउटो है, वो करेक्टर्स है, जिराया तो भी है ही नहीं, वो सला कब गया है पता ही चलेगा कि वो कब आएगा, तो वो एक इमोशन है, तब भी मैं फिलहाल एपिसोड देख रहा हूँ। तो सीधी सीधी कहने की बात ये है कि नाउटो के फैंस जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा की तादाद में है, लेकिन फंडा ये है कि नाउटो शिबुडिन जो है बहुत ज़्यादा ही खून खराबे से एंड वर्गल कंटेंट से भरा हुआ है, उसमें बहुत सारे चीज़ दिखाए गए हैं, एक वो वाला नाउटो हिनाटा साकुरा एंड जो इनो वगैरह का ना वो व्हाट्सएप सीन था, एपिसोड नंबर 311 एपिसोड था, उसमें वो लोग बात कब में नहा रहे होते हैं उसमें भी वो सब चीज़ दिखाए गए हैं। तो थोड़ा सा वो है ना वो कॉन्टेंट अलग टाइप का कॉन्टेंट है, उसमें ब्लड भी है एंड वो सेंसरशिप पार्ट भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ये कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक बन रहा है फिलहाल कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो सोनी ये दिखाएगा लेकिन इसको बहुत ज़्यादा वो चेंज कर देगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। वो अभी देखो ना आप लोग छिछोरे बाबा को बोलने में इतना दिक्कत हो रहा है सोनी ये वाले को, जब नाउटो छिछोरे बाबा बोलते हैं तो उसको छिछोरे को काट के बस बाबा छोड़ देता है सोनी ये वाले लोग, तो बहुत ज़्यादा वो लोग चेंज करेगा अगर लाएंगे तो। एंड 90% मैं गारंटी देता हूँ कि नाउटो शिवडिन हमारे इंडिया में आएगा, अगर लाएंगे तो वो ब्लड वगैरह चेंज कर देंगे, डबिंग आर्टिस्ट पता नहीं कैसा रखेंगे, बट होप करता हूँ कि जो मात्रा उचिया है एंड पेन है बाकी करेक्टर्स, जब जो है ओबिटो उचिया उसकी जो आवाज़ है बिल्कुल उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा ही अलग है, काफ़ी फनी सी वॉइस है एंड काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सी वॉइस है, मतलब बिल्कुल ही वो डिफरेंट चीज़ है ओबिटो उचिया। तो देखता हूँ उसको कैसा डब करता है सोनी, और जो ओबिटो उचिया इज़ माई फेवरेट करेक्टर इन नाउटो सीरीज़, मैं उसका बड़ा वाला फ़ैन हूँ, अगर वो रियल लाइफ में होता तो मैं उसको जाके एक बार हक कर लेता भाई। तो देखते हैं सोनी आखिरकार नाउटो को कैसा डब करती है, क्या करती है एंड क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वेट करेंगे तब जाके नाउटो देखने को मिलेगा। सोनी इसके ऊपर काम कर रही होगी, 500 एपिसोड हैं तो टाइम तो लगेगा ना, तो वेट करो थोड़ा सबर करो, वो लोग काम कर रहे होंगे। ककासी सर जो थे ककासी सेंसे, उन्होंने कहा कि हम होप करते हैं कि हम दोबारा मिले सोनी शिवडिन को भी डब करें, तो उनको भी होप है, अगर कोई अपडेट होगा तो वो ज़रूर देंगे हम लोगों को। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, हम बस थोड़ा सा वेट करते हैं सबर करते हैं एंड होप नहीं खोते हैं, होप रखेंगे हम लोग, नाउटो को जो है हिंदी टब में ही देखेंगे, हम नाउटो शिवडिन को धोखा नहीं देंगे, हम नाउटो शिवडिन को हिंदी टब में ही देखेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लव यू ऑल, दत्ती भाई।